हर जगह निवेदन करने के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रहे सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित उम्मीदवार ने पद स्थापना नहीं मिलने के कारण पहले मुंडन करवाया और फिर संविधान रक्षा पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा भोपाल तक आएगी। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों ने डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली पर मुंडन कराया और फिर भोपाल के लिए पदयात्रा शुरू की। इस दौरान 250 से भी ज्यादा की संख्या में उम्मीदवार वहां मौजूद रहे। 3000 से अधिक उम्मीदवारों के इस प्रदर्शन में जुड़ने की संभावना है। पदयात्रा के दौरान ये सभी उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के क्षेत्र से होकर भी गुजरेंगे। ऐसे में पुलिस ने सभी को हिदायत दी है कि वे मंत्री के गांव में दाखिल ना हो। इस दौरान यह मैसेज वायरल हुआ था कि कुछ प्रदर्शनकारी मंत्री जीतू पटवारी के गांव पहुंचकर भी मुंडन करवाएंगे। इनके मसले को लेकर जीतू पटवारी और कांग्रेस सरकार इन्हें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। यह उम्मीदवार कई बार उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से पदस्थापना को लेकर आग्रह कर चुके हैं। जीतू पटवारी जी है, उन्होंने कई बार वो अपनी बातों पर ही स्थिर नहीं रहते हैं। कई बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कई बार उन्होंने खुद अपने आश्वासन को तोड़ दिया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन अब खत्म नहीं होगा और यहाँ पे जितने लोगों ने मुंडन करी है, इससे दुगने लोग महिलाएं सहित तो वहाँ पे भोपाल में जाकर के फिर मुंडन करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में हम लोग चाहे पुलिस वाले लाठियां बरसा दे, चाहे हमें जेल में ठूस दे, अगर योग्यता की कदर मध्य प्रदेश शासन इस तरीके से करती है तो हम भी भीख मांग करके मध्य प्रदेश शासन को नीचे दिखाएंगे और ये बता देंगे उनको कि पीएचडी नेट सेट करने वाले लोग बाहर सड़कों पर भीख ना मांग रहे हैं और आप अयोग्य लोगों के अतिथि विद्वानों को कॉलेज में बिठा करके फ्री का खिला रहे। इनका कहना है हर बार बस आश्वासन ही मिलता है, हमारे लिए अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। महू से शुरू हुई संविधान रक्षा पदयात्रा जब भोपाल पहुंचेगी तो इसमें और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे। इनका कहना है कि 12 नवंबर को भी ये सभी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले थे और अपनी समस्या बताई थी, इसके बाद भी इनको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।